पकड़ो ये चल के कलकत्ते हो रात दिन यही रट रहा था। मम्मी तुम हमको टिकट कटा के भेज दो सर, हमको ठीक कर देंगे हैं, ठीक कर देंगे। बस आपका ही हाथ लग रहा है, मेरा हाथ काम कर रहा था, इतना नहीं उठा पा रहे थे। ऐसे ही किए थे, हम सर हम इतना नहीं उठा पा रहे थे सर, अभी मेरा हाथ इतना उठ रहा है। मम्मी देखो इतना उठ चमत्कार। आप यही सोच कर आए थे? यही सोच के सर बहुत खुशी हुआ, विश्वासी नहीं हो रहा। थोड़ा सा हल्का सा जाम है सर, आप बैठे ठीक हो जाओ। मैंने इनको क्या किया ये मैं दिखाना चाहूंगा। कितना समय हो गया इधर आओ पास में, ये माँ है और ये क्या सोच कर आई थी आप यहाँ? सर तो ये सोच के आए थे, आशा बहुत लगा के कि जो हम देख रहे हैं आप यूट्यूब में और टीवी में सब देख रहे हैं, तो हम सोचे थे आशा लगा के कि आप ठीक कर देंगे। पूरा रास्ता सोचते हुए आए कि बस आपका दर्शन होगा तो चमत्कार हो जाएगा। बच्चे को आपका ऊपर में पूरा भरोसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। इतना मतलब हमको लग ही नहीं रहा कि हम अपना हाथ वापस से मतलब भरोसा ही नहीं हो, बिलीव नहीं हो रहा कि हम अपना हाथ उठा पा रहे हैं। सर मेरा हाथ में इतना चमड़ा था सर आपका, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा हाथ हम इतना ट्रेन में हम कैसे आए, ट्रेन में ऐसे हम अपना हाथ पकड़ के उठा रहा था घर में सब थोड़ा सा जमा। बट सर हम मतलब हमको ऐसा लग रहा है क्या हुआ था इनको मैं बताता हूँ। एक्चुअल में शोल्डर इनका उतर जाता था बार बार उतर जाता था। उतरने के कारण से यहाँ के मसल्स कमजोर हो गए और अभी पीछे इनकी सर्जरी हुई। सर्जरी होने से ये गलत पोजीशन में बैठे, बैठने से इनका ये कंधा जाम हो गया, यानी फ्रोजन नहीं हुआ लेकिन मसल्स ने स्ट्रेंथ लेना बंद कर दिया मसल्स ने, इसीलिए ये इनका कंधा कमजोर भी था। तो मैंने अभी जब चेक किया इनको देखा, देखने के बाद मुझे समझ आया कि इनका ये कंधे के मसल्स स्ट्रांग हो सकते हैं और उन मसल्स में स्ट्रेंथ दी जा सकती है। तो मैंने दो ट्रीटमेंट अभी इनको किए, अभी कंधा उठ गया। माता रानी की कृपा, माता शेरा वाली की। बस भाई 17 तारीख माँ का दिन है, हल्का जाम बटन निकले दीक्षित सर सुन के ये पूरा। तो मैंने जो ट्रीटमेंट इनको किया है वो मैं दिखाता हूँ, बहुत पक्का। मैंने केवल इनके इस नर को, अभी ये कहीं कोई नहीं ट्रीटमेंट हुआ, पहली बार चेक ही हो रहे हैं। अभी मैंने चेक करके देखा ही था, तो मैंने यहाँ ये केबल यहाँ से ये शोल्डर्स के मसल्स को मैंने यहाँ से रिलैक्स किया। ये रिलैक्स करने के बाद पर्टिकुलर ये शोल्डर पर देखा दर्द कहाँ है। ऐसे तो इनको यहाँ बहुत दर्द था, अब तो कम हो गया है ना, पहले बहुत दर्द था। बस मैंने इस दर्द के लिए इसको क्लॉकवाइज करने के साथ ये शोल्डर पर ऐसे देखने के बाद एक जगह यहाँ उठी हुई थी। हाँ सर, बस हाँ सर, इधर देखें और इधर देखें, बहुत कम हुआ था, ये उठा हुआ था। बस मैंने इस उठे हुए स्थान को सेट किया है, बस ऐसे करके सेट किया है। और सेट करते ही क्योंकि ये सेट करते ही इनका कंधा सीधा हो गया, ये ऐसे करने के बाद मैंने जब ऐसे किया यहां से मसल्स को, केवल ये मसल्स को यहां खींच के और रोक दिया, बस मसल्स को खींच कर मैंने रोक दिया है, इतना ही किया है। अब देखो कैसा हाल है सर। ये तो टिकट कटवा लिया बोल के बहन से, छोटा बहन से बोला हम जाएंगे मम्मी, हमको पूरा आशा है ठीक हो जाएंगे मम्मी। हमको सर देखिए, हाँ मम्मी मेरी बात मान लीजिए प्लीज। एक्चुअली देखिए सर, मेरे घर में सब बोल रहे थे कि वहीं पर ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि सर काफी लॉन्ग डिस्टेंस है प्लस कोरोना भी है। तो मैंने ही सिर्फ हम तो आपका सारा वीडियो देखे हैं और सारा वीडियो हम 3-4 बार देखे हैं, सब में लाइक और कमेंट किए हैं। तो हम घर में सबको मतलब कन्विंस नहीं कर पाए क्योंकि पापा को बोलेंगे पापा ना कर देंगे वहीं पे करा। तो बस मम्मी को आपको किसी और डॉक्टर को या नीरो
जो है उनको नहीं सौंप सकता हूँ अपने आप को मैं सच को छोड़ के, मेरा बर्बादी हो कुछ भी हो, मैं सच पर भरोसा कर लिया हूँ, मुझे वहाँ तक पहुँचा दो बस। एक्चुअली हम यही सोच के आए थे कि यहाँ सर हमने बेटी को कहा ले चलो, जब दिल वहीं लगा हुआ है तो क्या पता चमत्कार हो जाए, क्योंकि सोचने से नहीं होता करने से होता है। थेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।